लुटेरियां दे वल्लों बुजुर्ग महिला दे नाल खो की गई है। मौके तो ही लुटेरे महिला की दो तोले की सोने की चैन लैके फरार होए ने, जिस दी सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई हैं कि दो लुटेरे बाइक से सवार होकर आते हैं, फिर दुकान पर बैठी बुजुर्ग महिला बाहर बुलाते हैं। उन्होंने गलों के उलझा के जिमें ही उन्होंने मौका मिलता तो महिला के गले के पाई सोने की चेन लैके वह फरार हो जाते हैं, जिस दी सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई हैं। तो खबर फतेहगढ़ साहब तो सामने आई है जिथे कि एक बजुर्ग महिला के नाल खो की गई है। महिला की दो तोले की सोने की चेन लैके लुटेरे फरार हो गए हैं। सीसीटीवी तस्वीर भी देखा जा सकता है कि दो लुटेरे बाइक से सवार होकर आते हैं और बजुर्ग महिला दुकान के बाहर बुलाते हैं, फिर उन्होंने नाल गलबात की जाती है और गलों के उलझा के ही लुटेरिया के वलों इस वारदात को अंजाम दे दिता गया। महिला की सोने की चेन लैके वह मौके तो फरार हो गए। फिलहाल पुलिस के वलों मामला दर्ज कर लिया गया और आसे पासे दी सीसीटीवी तस्वीर खंगालिया जा रही हैं कि तां जो मुलजमान नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जा सके। उम्र मेरी 75-76 साल की है। अच्छा, की होया सीगा जी? मैं तो 6:45 मैं इत्थे बैठी सी, दा हिसाब किताब करदी आं ते दो बंदे स्कूटर से आए बाहर ते ओह तां इक तां लंघ गए जिहड़े स्कूटर वाला सी सिद्धा, जिहड़ा दूसरा सीगा ओह परे लुक के खड़ गया। जब नौकर सी साडे दुकान ते उन्ना चिर तां नहीं आया, जद ये चले गया काम करन वास्ते ओह मंडक दे के आए भज गए, बस झपट के आए। चैन लै गया तुहाडी? चैन लै गई मेरी। किन्ने तोले दी सी? दो तोले दी सी। ते फिर पुलिस कंप्लेंट लिखाई है तुसी? मेरा नाम विकास है जी। मामला की होया सी? मामला कुछ नहीं होया जी। एक्चुअली पता की माता जी दुकान खोलते ने, ते सवेरे नॉर्मल जिम्मे असी दुकान खोलते ने, उन्होंने दुकान खोली है। ते साढ़े बंदे आंदा, मतलब कम कुम कर रहे थे। काजी दुकान अपनी? अपनी कहना, मतलब जिम्मे नॉर्मल असी दुकान खोलते ने, उन्होंने दुकान खोली है, बंदे काम कर रहे थे। ते सिर्फ कस्टमर आए थे, असी उन्होंने कहना, मतलब सामने समान देने लगे थे। इन्हें जी कहना, मतलब बंदा उधर जरा दो बंदे थे, एक मोटरसाइकिल पे थे, एक पल्सर मोटरसाइकिल पे, ते एक कहना, मतलब उन्होंने नाल थे, जिन्हें मुंह ढके हुए थे। और साढ़ा नाल दुकान पे बंदा खड़ा नाल दुकान, वो तो बैक साइड जीप खड़ी है, पीछे लुक के खड़ा हो गया। जिम्मे साढ़ा बंदा सामने गया, उन्हें देखे माता इकले ने, वो अंदर आया। अभी सारे उन्हें पै गया, माता जी वो पिछे देखो, माता जी पिछे निकल लगे। वो फटाफट चेन खो के कहना, मतलब वो गए ही हो गए। अभी कहना, मतलब काफी पुराना टाइम है, कभी यही कोई गलबात नहीं हुई, कभी ये सुनया भी नहीं है। बस हम आज के टाइम देख लो, तुम्हें भी क्या हालात चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात ने। अभी ऐसी अपने आमने सामने भी हाँ घर के बैठ के भी ऐसी सेफ हैं, फिर इन्ना बुरा हाल हो रहा है जी। लुटेरियां दे वल्लों बुजुर्ग महिला दे नाल खो की गई है। मौके तो ही लुटेरे महिला की दो तोले की सोने की चैन लैके फरार होए ने, जिस दी सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई हैं कि दो लुटेरे बाइक से सवार होकर आते हैं, फिर दुकान पर बैठी बुजुर्ग महिला बाहर बुलाते हैं। उन्होंने गलों के उलझा के जिमें ही उन्होंने मौका मिलता तो महिला के गले के पाई सोने की चेन लैके वह फरार हो जाते हैं, जिस दी सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई हैं। तो खबर फतेहगढ़ साहब तो सामने आई है जिथे कि एक बजुर्ग महिला के नाल खो की गई है। महिला की दो तोले की सोने की चेन लैके लुटेरे फरार हो गए हैं। सीसीटीवी तस्वीर भी देखा जा सकता है कि दो लुटेरे बाइक से सवार होकर आते हैं और बजुर्ग महिला दुकान के बाहर बुलाते हैं, फिर उन्होंने नाल गलबात की जाती है ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਮਰ ਮੇਰੀ 75-76 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਸ 6:45 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੀ ਆਂ ते दो बंदे स्कूटर से आए बाहर पे, वो तो एक तो लंघ गए जो स्कूटर वाला से सीधा, जोड़ा दूसरा सीगा और लुक के खड़ गया। जब नौकर सी साडे दुकान ते उन्ना चिर तां नहीं आया, जद ये चले गया काम करन वास्ते वो मंडक दे के आए भज गए, बस झपट के आए। चैन लै गया तुहाडी? चैन? चैन लै गई मेरी। किन्ने तोले दी सी? दो तोले दी सी। फिर पुलिस कंप्लेंट लिखाई है तुसी? मेरा नाम विकास है जी। की
ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਦੀ ਕਾਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਕੜੀ ਡਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਦ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀਪ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪਿਆ ਗਿਆ ਬਾਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਬਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਚੇਨ ਖੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਏ ਹੀ ਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਟਾਫਟ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜੀ ਉਹ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਆ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ